लेखा शास्त्र कक्षा 12 अध्याय 6 कंपनी के वित्तीय विवरण एक परिचय। नमस्कार मित्रों, मैं रामावतार कुमावत बटुक को आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक स्वयंपाठी विद्यार्थी हूँ। मैं इस प्रकार पढ़ता हूँ जिससे मुझे 70% से अधिक याद हो जाता है। धन्यवाद। प्रश्न एक, वित्तीय विवरण क्या है? उत्तर, लेखा वर्ष के अंत में व्यवसाय की लाभदायकता एवं वित्तीय स्थिति को प्रकट करने वाला विवरणों को वित्तीय विवरण कहते हैं। प्रश्न दो, वित्तीय लेखांकन कार्य के अंतिम उत्पाद क्या है? उत्तर, वित्तीय लेखांकन कार्य के अंतिम उत्पाद वित्तीय विवरण है। प्रश्न तीन, किसी संस्था की वित्तीय सूचनाओं को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कौन करते हैं? उत्तर, वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न चार, वित्तीय विवरण से क्या आशय है? उत्तर, वित्तीय विवरण से आशय ऐसे विवरण से है जो लेखा अवधि की समाप्ति पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति एवं व्यवसायिक कार्यों के परिणाम को प्रकट करता है। प्रश्न पाँच, जॉन एन मायर के अनुसार वित्तीय विवरण जैसा शब्द किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर, जॉन एन मायर के अनुसार वित्तीय विवरण शब्द जैसा कि आधुनिक व्यवसाय में प्रयुक्त किया जाता है जो दो विवरण जिनको कि लेखपाल व्यावसायिक संस्था के लिए निश्चित अवधि के अंत में तैयार करता है के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये विवरण चिट्ठा या वित्तीय स्थिति का विवरण और आय विवरण या लाभ हानि विवरण है। प्रश्न छः, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 240 के अनुसार वित्तीय विवरण में किन्हें शामिल किया जाता है? उत्तर, एक, वित्तीय वर्ष के अंत में स्थिति विवरण। दो, वित्तीय वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण। तीन, वित्तीय वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण। चार, यदि लागू हो तो क्षमता में परिवर्तनों का विवरण। और पाँच, स्पष्टीकरण नोट। प्रश्न सात, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 240 के अनुसार किन कंपनियों को अपने वित्तीय विवरणों के साथ रोककर प्रवाह विवरण बनाने से मुक्त रखा गया है? उत्तर, एक, व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी, निष्क्रिय या गुप्त कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों के साथ रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने से मुक्त रखा गया है। प्रश्न आठ, वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? उत्तर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 241 के अनुसार कंपनी या निगमित संस्था की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। प्रश्न नौ, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(1) के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों एवं कंपनी की वित्तीय स्थिति का किस प्रारूप में होना चाहिए? उत्तर, एक, सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करना चाहिए। दो, धारा 133 के अनुसार लेखांकन परमापों का पालन करना चाहिए। तीन, ये अनुसूची 3 के में दिए गए निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए। प्रश्न 10, वित्तीय विवरणों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? उत्तर, वित्तीय विवरणों में सूचनाओं को मौद्रिक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दो, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक परिपत्र कहलाते हैं क्योंकि ये पिछली अवधि से संबंधित होते हैं। तीन, वित्तीय विवरण संस्था की लाभप्रदता को लाभ हानि विवरण के माध्यम से तथा वित्तीय स्थिति को चिट्ठा विवरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। चार, वित्तीय विवरण सूचनाओं के प्रयोगकर्ताओं को अनेक प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न 11, संक्षेप में वित्तीय विवरणों का उद्देश्य क्या है? उत्तर, वित्तीय विवरणों के निम्न उद्देश्य हैं। एक, व्यावसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति को संबंधित आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाना। दो, व्यावसायिक संस्था की लाभदायकता से संबंधित आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत करना। तीन, वित्तीय विवरणों में
रुचि रखने वाले विभिन्न वर्गों को पर्याप्त एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाना। 4 भावी निर्णयों के लिए आधार प्रस्तुत करना। 5 व्यवसाय की वित्तीय स्थिति एवं लाभ हानि का सही एवं उचित चित्र प्रस्तुत करना। 6 संस्था द्वारा सामाजिक वातावरण को उन्नत करने हेतु किए गए कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराना। प्रश्न 12 वित्तीय विवरण कैसे स्रोत होते हैं। उत्तर, वित्तीय विवरण ऐसे स्रोत होते हैं जो इनके उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। प्रश्न 13 वित्तीय सूचनाओं को उपयोग करने वाले कौन से वर्ग हैं। उत्तर, अंशधारी, लेनदार, ऋणदाता, प्रबंधक, कर्मचारी, सरकार, बैंक एवं वित्तीय संस्थान, कर अधिकारी, अनुसंधानकर्ता आदि अनेक प्रकार के निर्णयों के लिए इन सूचनाओं का उपयोग करते हैं। प्रश्न 14 वित्तीय विवरणों का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर, संस्था की वित्तीय स्थिति, निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह के बारे में सूचना देना है ताकि विभिन्न उपयोगकर्ता आर्थिक निर्णय ले सकें। प्रश्न 15 वार्षिक खाते किसे कहते हैं। उत्तर, प्रत्येक वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा स्थिति विवरण एवं लाभ हानि विवरण तैयार किए जाते हैं जिन्हें वार्षिक खाता कहते हैं। प्रश्न 16 कंपनी के आधारभूत विवरण कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं। उत्तर, कंपनी के आधारभूत विवरण, लाभ हानि विवरण एवं स्थिति विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में दिए गए हैं। प्रश्न 17 कंपनी अधिनियम की अनुसूची 3 के प्रारूप क्या हैं। उत्तर, 1 अनुसूची 3 के प्रारूप, भाग 1 में स्थिति विवरण का प्रारूप दिया गया है, भाग 2 में लाभ हानि विवरण का प्रारूप दिया गया है। इसके साथ ही इसको तैयार करने हेतु विभिन्न निर्देश भी दिए गए हैं। प्रश्न 18 कंपनी का चिट्ठा स्थिति विवरण तैयार करने के सामान्य निर्देश क्या हैं। उत्तर, चालू संपत्ति, संचालन चक्र, 2 चालू दायित्व, 4 व्यापारिक प्राप्यताएं, 5 व्यापारिक देयताएं और 6 लेखांकन की टिप्पणी। प्रश्न 19 चालू संपत्ति किसे कहते हैं। उत्तर, निम्न में से एक कसौटी को पूरा करने वाली ही चालू संपत्ति कहलाती है। ए, इसके कंपनी का सामान्य संचालन चक्र में वसूल होने की संभावना है और ये विक्रय का उपयोग करने के लिए हो, ये मुख्यतः व्यापार करने के लिए रखी गई है। सी, इसके विवरण तैयार होने की तिथि के 2 माह के अंदर वसूल होने की संभावना है। से, सभी संपत्तियों को गैर चालू संपत्ति माना जाएगा। प्रश्न 20 संचालन चक्र किसे कहते हैं। उत्तर, संचालन चक्र वह समयावधि है जो किसी संपत्ति को क्रय करने और उसके नगद अथवा नगद तुल्यों में परिवर्तन होने के बीच की अवधि है। जब संचालन चक्र की अवधि को मापा नहीं जा सकता है तो ये अवधि 12 माह की मान ली जाती है। प्रश्न 21 चालू दायित्व क्या है। उत्तर, निम्न में से एक कसौटी को पूरा करने वाले दायित्व को ही चालू दायित्व माना जाता है। कसौटी 1, इसके कंपनी के सामान्य संचालन चक्र की अवधि में भुगतान की संभावना है। 2, ये मूलतः व्यापार करने के उद्देश्य से रखा गया है। 3, इसके विवरण तैयार करने की तिथि के 12 माह के अंदर भुगतान किए जाने की संभावना है। से, सभी दायित्वों को गैर चालू दायित्व माना जाएगा। प्रश्न 22 व्यापारिक प्राप्यताएं क्या हैं। उत्तर, व्यवसाय की सामान्य व्यावसायिक क्रियाओं के अंतर्गत माल के विक्रय अथवा सेवाएं करने के संबंध में देय राशि से संबंधित प्राप्य को व्यापारिक प्राप्यताएं कहते हैं। व्यापारिक प्राप्यों में विविध लेनदार एवं प्राप्य बिलों को शामिल किया जाता है।
प्रश्न 23, व्यापारिक देयताएं क्या है? उत्तर, व्यापारिक देयता व्यवसाय की सामान्य व्यापारिक क्रियाओं के अंतर्गत माल के क्रय अथवा सेवाएं प्राप्त करने के लिए देय राशि से संबंधित होती है। व्यापारी देयताओं में विविध लेनदान और देय बिलों को शामिल किया जाता है। प्रश्न 24, लेखांकन की टिप्पणी किसे कहते हैं? उत्तर, स्थिति विवरण में दी गई मदों को स्पष्टीकरण के लिए पहले अनुसूची शब्द का प्रयोग किया जाता था, अब लेखांकन की टिप्पणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।